धन दौलत की कामना किसी नहीं होती। ऐशो आराम की जिंदगी तो हर कोई जीना चाहता है, परिश्रम भी खूब करता है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा किस पर हो जाए कोई नहीं जानता। जिस पर हो जाती है उसका जीवन संवर जाता है। अक्सर हर कोई धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें माँ को क्या भोग लगाना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज है जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है? चलिए जानते हैं कि माता लक्ष्मी को क्या चढ़ाएं भोग, किस दिन करें पूजा जिससे घर में ना हो धन की कमी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। माता लक्ष्मी की विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन विधिवत पूजन किया जाता है। ऐसा करने से कुटुंब में धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी जी को नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल और जल से भरा नारियल अर्पित करने से देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो सकती हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। बताशे का संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा को देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है। मान्यता है कि यही वजह है कि बताशे माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाएं। सिंघाड़ा भी माँ लक्ष्मी को पसंदीदा फलों में से एक है। माँ लक्ष्मी को पानी से जुड़ी चीजें अति प्रिय हैं। यही वजह है कि पानी में पैदा होने वाला ये फल माता रानी को बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी को पान बहुत पसंद है। पूजा संपन्न होने के बाद माँ लक्ष्मी को पान का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा बरसती है। मखाना पानी में एक कठोर आवरण में बढ़ता है, इसलिए ये हर तरह से शुद्ध और पवित्र माना जाता है। लक्ष्मी जी को मखाना चढ़ाने से वो अधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब चलिए जानते हैं माँ लक्ष्मी जी की पूजा में रखने वाली सावधानियाँ क्या है। माँ लक्ष्मी की उपासना से केवल धन ही नहीं मिलता बल्कि इनकी पूजा से नाम और यश भी मिलता है, दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना के नियम और सावधानियों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। लक्ष्मी जी की पूजा का उत्तम समय होता है गोधूली वेला या आधी रात। माँ लक्ष्मी के उस प्रतिकृति की माँ लक्ष्मी के उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वो गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हों। पूजा सफेद या गुलाबी कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल खास तौर पर कमल चढ़ाना सबसे उत्तम होता है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। जय माँ लक्ष्मी।